तो दोस्तों, वैसा तो हम जानते हैं कि इसराइल काफी छोटा देश है, उसकी सॉफ्ट पावर उतनी है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत के समर्थन की बात आती है तो किसी भी मंच से किसी भी परिस्थिति में अनकंडीशनली बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट भारत को मिलता है इसराइल की तरफ से। यानी कई बार तो हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि क्या बदले में हम लोग किसी वैलिड रीजन के चलते भी इसराइल को समर्थन दे पाएंगे या फिर नहीं। अब हम सभी जानते हैं कि मालदीव और भारत के बीच में इस समय काफी कुछ तनातनी चल रही है और ये शुरुआत की थी मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा, और उसके बाद मालदीव के जो आम यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, उन लोगों द्वारा भारत के बारे में कई सारी आपत्तिजनक बातें कही गई। वैसे तो कल मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज इस न्यूज को कवर करने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल एक्चुअली करना पड़ेगा। दरअसल जो मालदीव की तरफ से महिला मिनिस्टर द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, लक्षद्वीप और भारत के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही गई, उसमें एक बात ये भी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल के पपेट हैं और इवन उन्हें ड्राइवर तक कह दिया इसराइल का। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है, काफी ज्यादा अपमानजनक बात हो जाती है। और इसके साथ साथ अभी इसराइल हमास वॉर को लेकर लगातार मालदीव की गवर्नमेंट, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, वहाँ के आम लोग, ये सारे लोग मिलकर भी इसराइल को काफी कुछ कंडेम कर रहे थे, इसराइल के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे। और जिस तरह का रवैया पाकिस्तान की तरफ से देखने के लिए मिला, बिल्कुल वैसा ही रवैया मालदीव के द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। अब इसराइल वैसे ही परेशान था और जब भारत का मामला आ जाता है तो फिर इसराइल कुछ नहीं देखता। तो अब एक्चुअली इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए इसराइल भी भारत वर्सेस मालदीव में कूद चुका है। जी हाँ, और लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए अब उसने बीड़ा उठा लिया है। दरअसल इसराइल की तरफ से लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर काफी कुछ बातें अब कही जा रही है और लक्षद्वीप संबंधित कई सारे फोटोज भी सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रखे हैं और कुल मिलाकर लक्षद्वीप की पीआर करने की कोशिश की गई है, जिससे इंटरनेशनली कई सारे टूरिस्ट तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा इसराइली टूरिस्ट भी इस एरिया में अब ज्यादातर आएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मालदीव के अंदर कोई इसराइली मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट बनकर जाता होगा, क्योंकि मालदीव भी हम जानते हैं कि ब्रदरहुड वाला देश है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी इसराइल वहां नहीं जा सकता, लेकिन कई सारे इसराइलियों को मालदीव जैसी खूबसूरती को देखने के लिए कहीं जाने का मन जरूर कर रहा होगा। वैसे तो दुनिया में वेरियस जगहें हैं, लेकिन सबसे बजट में अगर उनको ऐसा कोई ट्रिप चाहिए तो भारत का लक्षद्वीप उसके लिए सर्वोत्तम स्थान माना जा सकता है। वैसे भी इसराइल में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है और वहां के आम लोग काफी ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, उन्हें रिलैक्सेशन के लिए कहीं ना कहीं वेकेशन पर जाना ही होगा और इसके लिए लक्षद्वीप उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, कल ही हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत जितने ही रशियन टूरिस्ट मालदीव के विजिट पर जाते हैं और मालदीव के अंदर टूरिज्म के मामले में रशिया नंबर 2 के पायदान पर आ चुका है। कारण यही है कि रशिया के अंदर भी युद्ध चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं, लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए वो लोग दूसरे देशों में टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं और इसका एडवांटेज सीधे सीधे मालदीव को देखने के लिए मिला। अब ये परिस्थितियां इसराइल में भी है, तो अल्टीमेटली इसराइल की गवर्नमेंट, इसराइल के जो दूतावास वगैरह हैं, ये अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अगर आपको जाना है वेकेशन के लिए, कहीं भी घूमने के लिए या फिर समुद्री आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो लक्षद्वीप आपके लिए सबसे अच्छी डेस्टिनी हो सकती है, जो कि मित्र देश भारत में है। इसके साथ साथ दोस्तों, लक्षद्वीप को लेकर कई सारे कमिटमेंट भी इसराइल की तरफ से किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इसराइल बहुत ज्यादा मॉडर्न देश है और चूंकि इसराइल भी समुद्र से घिरा हुआ है, पीने के पानी की काफी कमी होती है इसराइल के अंदर, इस वजह से उन लोगों ने ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं जिससे कि समुद्री खारे पानी को काफी कम प्रयास के बाद काफी कम लागत पर मीठा पीने योग्य बनाया जा सकता है। आप सभी को याद होगा जब भारत के प्राइम मिनिस्टर इसराइल के विजिट पर गए थे, उस दौरान एक व्हीकल का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, जो कि समुद्र के किनारे चलते रहता है, समुद्र से ही पानी लेता है, उसे आसानी से मीठे पानी में कन्वर्ट कर देता है और वो पीने लायक बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस पानी को बकायदा पीते भी हैं और भारत को कुछ व्हीकल्स गिफ्ट के तौर पर भी उनकी तरफ से दिए जाते हैं। तो इसी तरह के सिस्टम्स वो लक्षद्वीप में भी इंस्टॉल करेंगे, इसको लेकर इसराइल की तरफ से आनंद फानंद में कमिटमेंट भी कर दिया है। तो जहां पर भारत मालदीव के टेंशन में, चाइना द्वारा क्लियर स्टैंड लिया गया है और मालदीव के समर्थन में ये कहा गया है कि मालदीव की कोई गलती नहीं है, मालदीव अपनी जगह पर सही है और बाकी के भी कुछ देश डेफिनेटली जो भारत के दुश्मन है वो मालदीव के साथ आ ही जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर इसराइल जैसा एक देश जो कि भारत का मित्र राष्ट्र है, वो भारत के साथ इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर और इसराइल के इस डेडिकेशन को लेकर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।